Hello students, welcome to the Pinnacle online platform. My name is Rohit Marwa, your English educator. As you know that we have launched the 5th edition of this SSC English 7600 Plus TCS MCQ. You can purchase this book from the market. And one more good news for you students. We have also launched the video solution of this complete book. Okay, you will get 7600 plus questions in form of video. You can recommend this video course to your friends, relatives and any others. Okay. Students, we have already completed 1000 plus questions. ठीक है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस चल रहे हैं इस टाइम. अब जिन भी बच्चों को किसी भी क्वेश्चन में इस बुक को देखकर कोई भी PDF में या कोई एक आधा क्वेश्चन मिस प्रिंट है या कोई डाउट होता है तो दिस वीडियो कोर्स विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर देम स्टूडेंट. स्टार्ट करते हैं बच्चों. ये देखिए क्या है, 425 क्वेश्चंस हम अब तक कर चुके हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट के. आपको एक अंडरलाइन दी होगी, आपको बताना है कि इसको रिप्लेस करके क्या लिखा जाए. चलिए, द प्रोबेबल साइड इफेक्ट्स हैं जो इस मेडिकेशन के इंक्लूड. ठीक है, अब आपको पता है ये प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद स्टूडेंट क्या है, ये ऑब्जेक्ट है. तो आपका सब्जेक्ट कौन है, साइड इफेक्ट्स. ठीक है, और साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल है, एस नहीं लगा हुआ. और ये इसके ऑब्जेक्ट हो गए बर्निंग, इचिंग. तो इस पर नो इम्प्रूवमेंट है, कोई भी गलती नहीं है. सीधा ING लग नहीं सकता बिना इसे मार के. अच्छा, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर लूँ जो हम हर क्लास में पहले करते हैं, टेंस की. कोई भी टेंस अगर एग्जामिनर ने आपको दिया हुआ है, चाहे उसने आई रोट अ लेटर दिया हुआ है, मैं लेटर लिखता था, तो भी ठीक मान लेना है. एरर नहीं ढूंढना कि रोट क्यों लिखा, V1 क्यों नहीं लिखी, क्योंकि ये भी तो एक फॉर्मूला है टेंस का. तो है तो सही है, आई भी तो है. ये थोड़ा आई काट के ही लिख दो सर, ये भी सही है. अगर उसने V1 दे रखी है, ये भी सही है. उसने परफेक्ट टेंस दे रखा है, ये भी सही है. इफ देर इज नो हिंट, ऑल 12 टेंस है ना, देर आर 12 टेंस इन इंग्लिश ग्रामर, प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4. ठीक है, ऑल 12 टेंस आर करेक्ट इफ देर इज नो हिंट. अगर कोई भी हिंट नहीं है, 12 के 12 आपके टेंस ठीक है. अगर यहाँ वो लिख देता है डेली, अब आपको पता है एरर है. डेली लिख दिया तो भाई V1 आएगी, येस्टरडे लिख दिया तो V2 आएगी. अगर टाइम का कोई हिंट नहीं है तो सब टेंस ठीक है बच्चों. ओके, तो यही मैं कह रहा हूँ, अगले ने V1 लगा के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बना दिया तो बना दिया, और यहाँ तो बनेगा भी क्योंकि फैक्ट है तो V1 है, सही है V1. और आपको ये पता है सेंटेंस में कितनी भी सेंटेंस को एक्सटेंड कर लें प्रीपोजिशन लगा के, द वाटर ऑफ, फिर मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिख ली कि वाटर से काम नहीं चला, नदियों का, फिर और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिख ली कौन सी नदियाँ, भारत में, इन इंडिया, इंडिया कहाँ है, वर्ल्ड में. ये सेंटेंस को आप बस एक्सटेंड कर रहे हो. और ये जितने भी नाउन है ये ऑब्जेक्ट है. नाउन का काम है सब्जेक्ट बनना या ऑब्जेक्ट बनना. आपको पता है वर्ब आती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ना ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती. और प्रीपोजिशन के बाद वाले नाउन भी क्या कहलाते हैं, ऑब्जेक्ट, और वर्ब के बाद वाले भी ऑब्जेक्ट. तो ये इंडिया, वर्ल्ड और ये रिवर्स प्रीपोजिशन के बाद है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ऑब्जेक्ट है. तो आपका सब्जेक्ट वाटर है, इज आएगा बस. अब आपको पता है ना. तो आपको पता है यहाँ पे प्रोबेबल एडजेक्टिव है, साइड इफेक्ट सब्जेक्ट है, ये सब ऑब्जेक्ट है. इंक्लूड बिल्कुल ठीक है, सीधा ING आ नहीं सकता इज एम आर के बिना. कैन बी के बाद इंक्लूडेड आना चाहिए, थर्ड फॉर्म, और ये पैसिव की सेंस ही नहीं है, एक्टिव सेंस है. तो थर्ड फॉर्म क्यों लगा, या तो कैन बी थर्ड फॉर्म आएगा, ये कोई फॉर्मूला ही नहीं है. इंक्लूड्स गलत है, नो इम्प्रूवमेंट. थैंक यू फॉर ऑल फॉर कमिंग सो अर्लियर एट द मॉर्निंग, ये गलत हो गया स्टूडेंट. सो अर्लियर, आपको पता है सो एडवर्ब है और एडवर्ब के साथ एडजेक्टिव आते हैं, और एडजेक्टिव एक ऐसा टॉपिक है जिसकी डिग्री होती है, गुड, बेटर एंड बेस्ट. नाउन का सिंगुलर प्लूरल होता है, वर्ब की फॉर्म होती है, एडजेक्टिव्स की डिग्री होती है. हर टॉपिक की अलग अलग रिक्वायरमेंट है. हाँ, गुड कब लिखते हैं, इफ़ वी वांट टू टॉक अबाउट अ सिंगल पर्सन, ही इज़ अ गुड बॉय. इफ़ यू वांट टू कंपेयर 2 पर्सन यू शुड यूज़ बेटर. इफ़ यू वांट टू कंपेयर मोर देन 2 पर्सन, ही इज़ द बेस्ट बॉय ऑफ द क्लास, ही इज़ बेटर देन मोहन. 2 लोग हैं तो ये लगा लो, एक है तो ये. हाँ, अब यहाँ पे कुछ ऐसा तो है नहीं कि अर्लियर लगा दूं मैंने, कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा. सो अर्ली, और दूसरी चीज़ एट द मॉर्निंग नहीं होता, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, ये फ्रेज याद करो, इन लगता है. आपको कोई डे बताना हो मोर तो लग सकता है मंडे ऑन. आपको कोई एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम बताना है, 9 बजे हुए हैं एट, तब ये मॉर्निंग के लिए इन लगता है. इन लगा दिया, कह रहे इन लगा दो, दा ना लगाओ, दा लगता ही लगता है. ठीक है, यही जाएगा इसमें, ये करिए. देखिए क्या लिखा हुआ है, इट इज अ स्टोरी अबाउट मिस्टर एंड मिसिस अंसारी है, इन दोनों के बारे में स्टोरी है. हु इन्हीं दोनों के लिए आया हुआ है. ठीक है, इसे हु को क्या कहते हैं, प्रोनाउन. क्यों कहते हैं प्रोनाउन, क्योंकि ये इन नाउन के लिए तो हु लिखते हैं. जैसे किताब होता तो विच आता, बॉय है तो हु आता, ये लिविंग है तो हु. तो नाउन के लिए जो वर्ड आते हैं प्रोनाउन होते हैं. और ये जो अगला, ये मेन क्लोज है और ये सबऑर्डिनेट क्लोज है। एक कंजंक्शन लगती है तो वो कंजंक्शन वाला क्लोज होता है और एक विदाउट कंजंक्शन वाला रह जाता है मेन क्लोज है। दो क्लोज है ये, ठीक है। तो ये वर्ब का सब्जेक्ट भी है इसलिए प्रोनाउन है, प्लस ये कंजंक्शन का भी काम कर रहा है क्योंकि इफ यू वांट टू जॉइन टू क्लोज यू नीड अ कंजंक्शन, तो ये कंजंक्शन का भी काम कर रहा है यहाँ पे प्रोनाउन प्लस कंजंक्शन। ओके स्टूडेंट, तो अब एरर क्या है ये देखना है बेटा, किस चीज को रिप्लेस करने को कह रहे हैं। इस चीज को हेड के बाद थर्ड फॉर्म आती है, ये पक्का है, ये गारंटी है कि हेड के बाद थर्ड फॉर्म आती है। वो है तो देख लेते हैं, कहीं नहीं है तो आ जाओ। दो जने हैं तो वर आएगा, वर आएगा, ये गलत, ठीक है, ये गलत हो गया। दो ये हु के लिए देखो बेटा, ये हु की अपनी कोई वर्ब नहीं होती, जिसके लिए हु आया उनके अकॉर्डिंग वर्ब लिखनी पड़ती है। एक जना है तो इज, दो है तो आर या वर, जो भी है मेन क्लोज प्रेजेंट में, ये पास्ट में हो सकता है। ये टेंस की बात है कि मेन क्लोज अगर प्रेजेंट में है तो ये वाला तीनों में हो सकता है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। ये कॉन्सेप्ट होते हैं टेंस के कि अगर प्रेजेंट में लिखता हूँ मैं, वो कहता है, तो आप यहाँ लिख सकते हो कि मैं आऊँगा, मैं आता था या मैं आता हूँ। पर अगर मैं मेन क्लोज पास्ट में लिख दूँ ही सेड डैट, तो यहाँ पक्का पास्ट आएगा, ठीक है। तो ये बस मेन क्लोज प्रेजेंट में, वो किसी में भी आ सकता है। पर देखें लुकिंग टू गलत हो गया क्योंकि वर्ब गलत है। ये दो देखते हैं, लुकिंग फॉर, अब लुक फॉर का मतलब होता है सर्च, लुक फॉर का मतलब होता है सर्च। अब आप यहाँ पे लिखना हु वर लुकिंग फॉर, लिख दिया लुकिंग फॉर। अब आपको पता है प्रीपोजिशन आ गई और प्रीपोजिशन के बाद आपको पता है वर्ब आ रही हो तो नाउन बनाना पड़ता है, उसे जेरेंट लिखते हैं प्रीपोजिशन में, रेंटिंग और, या तो रेंटिंग होता है और रेंट को तो ठीक करना ही नहीं है, तो इसलिए फोर गलत हो गया। लुक फोर का मतलब होता है सर्च, किसी चीज की सर्च करना, आई एम लुकिंग फॉर मोबाइल। तो इन्होंने तो यार, अब आपको पता है बेटा प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद पक्का नाउन आता है, या तो नाउन आना चाहिए या प्रोनाउन फॉर यू। पर वो कई बार, जैसे प्रीपोजिशन हमेशा नाउन से पहले लगती है, आपने सुना होगा एट, बस स्टैंड, ऑन, चेयर, बट कई बार वो प्रीपोजिशन के बाद बेटा वर्ब लिख देता है प्ले, तो हमें इसे नाउन बनाना पड़ता है। तो इस कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को नाउन बनाना हो तो उसके आगे आईएनजी लगाओ या 2v1 लगाओ। यहाँ 2 लगाऊंगा तो ऐसा लगेगा दो प्रीपोजिशन आपकी एक साथ आ गई, इसलिए प्रीपोजिशन के बाद हमेशा v1 प्लस आईएनजी वाला नाउन लगाते हैं। बट ये प्योर नाउन नहीं होता क्योंकि ये तो वर्ब से नाउन बना है, ये वर्ब वाले काम भी करता है। वर्ब वाले काम क्या, आगे ऑब्जेक्ट लेना, ये सब लेना, प्लेइंग क्रिकेट ये ले लेता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ प्रीपोजिशन 4 लिखते हो तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, रेंटिंग लिखना पड़ेगा और फिर आगे ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, वो है नहीं। तो लुक फॉर का मतलब भी नहीं आ रहा यहाँ, ठीक है। तो एक होता है लुक टू डू समथिंग, कोई चीज करने के लिए प्लान बनाना, यही सही है। इन्फिनिटिव वाला 2 यूज हो जाएगा और आगे वो रेंट v1 हो जाएगी, तो ये बिल्कुल सही जा रहा है लुकिंग फॉर से। अच्छा, आई वुड एग्रीड, मॉडल के बाद v2 आई नहीं सकती, मॉडल के बाद v1 आती है। विल हैव एग्रीड, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के साथ पेयर बना के यूज होता है, नहीं कोई सेंस नहीं आती। विल हैव टू एग्री, 2 के बाद v1 आती है, ये गलत हो गया। कहोगे ये क्यों नहीं लगाया, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट टेंस ऐसे लगता ही नहीं है, ये बाय द टाइम के साथ फ्रेज के साथ यूज होता है। टेंस में बाय द टाइम के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कभी भी मिल जाए तो दूसरी तरफ फ्यूचर परफेक्ट लगाते हैं। तो सिंपल लगा लो, मैं एग्री हूँ, क्यों डैट लगा के, ये प्रोग्राम कैन बी गुड फॉर लर्निंग, हो सकता है मैं एग्री हूँ इस बात से, प्रेजेंट लग रहा है ना, सारा प्रेजेंट लग रहा है, उसको मैं एग्री हो चुका हूँ, कोई बात ही नहीं है, हो चुका हूँ, प्रेजेंट चल रहा है सारा, कैन बी गुड, गुड नहीं है कैन है, हो सकती है ये लर्निंग के लिए प्रोग्राम अच्छा, क्योंकि कोई भी नोबडी एल्स विल टीच यू, कोई भी तुम्हें ये ऐसे नहीं पढ़ाएगा, तो ये जो मैं एग्री हूँ ये प्रोग्राम अच्छा हो सकता है लर्निंग के लिए, तो ये एग्री हूँ। आप रीडिंग स्किल से भी कर सकते थे, किसी भी क्वेश्चन को अगर बच्चों करना है आपको पहले खुद सोल्व करो, आपको अपने आप सोल्व हो जाएगा। और किसी भी क्वेश्चन को रीड करने के लिए पहले यहाँ से लेकर एंड तक आपको अपनी रीडिंग स्किल की हेल्प से पूरा रीड करना है कि आई से लेकर यू तक इसका मीनिंग क्या है, क्या लिखा हुआ आखिर आई से लेकर यू तक, अपनी मदर टंग में पहले समझो तो सही, फिर कोई एरर लगाओ नाउन प्रोनाउन का। ये बिल्कुल ठीक जा रहा है। इधर और वाले क्वेश्चन आ गए हैं स्टूडेंट्स, ये आपको पता होने चाहिए इधर और वाले क्वेश्चन। इसमें अक्सर ये क्वेश्चन आता है बेटा, इधर के बाद एक नाउन लिख देगा और आपको पता है इधर का पेयर होता है और के साथ, एक और के बाद लिख देगा इधर राम और हिज फ्रेंड्स। तो फिर आपसे पूछेगा वर्ब बताओ, इज आएगी या आर आएगी। आपको पता है राम और हिज फ्रेंड्स, ये दोनों नहीं लेने, एंड नहीं लगा हुआ, आपको दोनों में से एक लेना है। और ये भी नहीं कहा कि राम ही लेना है और ये भी नहीं कहा कि दोस्त लेना है, ऐसे बोल दिया भाई दोनों में से एक लड़का तो बाहर चले जाओ, जैसे दोनों माँ के एक बेटे हैं, दोनों में से एक बेटा बाहर चले जाओ, दोनों उसके लिए इंपॉर्टेंट है, यूं नहीं कहा कि तू ही जाएगा। तो जब भी इस सिचुएशन में आप फंस चुके हो, लेना एक ही है और दोनों ही आपके लिए सब्जेक्ट हैं, किसकी माने, ये प्रीपोजिशन नहीं है जो बाद वाला एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी, तो कंजंक्शन है। तो ऐसे केस में जब दोनों में से एक लेना हो तो जो वर्ब के पास है, जो वर्ब लगानी है, उसी की साउंड आएगी। ये कॉन्सेप्ट यहां से देखो, ही इज प्लेइंग, वर्ब के पास ही है तो देखो साउंड क्या निकलेगी, वो खेल रहा है, ही इज प्लेइंग। वर्ब के पास कौन है, शी है, तो वो खेल रही है। तो जब दोनों इंपॉर्टेंट है और लेना एक है तो जो वर्ब के पास है उसी की साउंड निकलेगी। फ्रेंड्स है, आर आएगा। ठीक है, तो ऐसे केस में यही करना होता है, नाइदर नोर वाला क्वेश्चन, नॉट ओनली बट ऑल्सो। एक सब्जेक्ट यहाँ देता है, एक सब्जेक्ट ये जो वर्ब के पास है उसकी मानते हैं। सुप्रिया और निकुंज दोनों मेरे लिए बराबर है, पर लेना कोई एक है तो वर्ब के पास ये है। इज लाइंग ऑफ कोई मतलब नहीं होता, लाइंग नहीं होता। ठीक है, लाइंग इन रिलेशन टू फ्रेज होता है। ठीक है, ये वैसे गलत हो गया, हैज के बाद थर्ड फॉर्म आती है, ये वैसे गलत हो गया, सीधा पता लग रहा है। ठीक है, क्योंकि वर्ब प्लूरल आ रही है, हैज सिंगुलर है पर थर्ड फॉर्म आती है, तो सीधी सी बात है कर लो, ये वैसे गलत है। सीधा ही ऑप्शन इसमें ठीक हो रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन अपने आप कट रहे हैं स्टूडेंट। एज अ यंग गर्ल मैरी लिव्ड इन फ्रांस, फ्रांस में रहती थी। वेयर शी हैव मैरिड, वो शादी कर चुकी है। अब जब सारा पास्ट चल रहा है, देखो मेन क्लोज जब भी पास्ट में होता है, मेन क्लोज पास्ट, देन सबऑर्डिनेट क्लोज शुड ऑल्सो बी इन पास्ट टेंस। सबऑर्डिनेट क्लोज भी किस में होना चाहिए स्टूडेंट, पास्ट में होना चाहिए, ये बात याद रखना हमेशा। ठीक है, तो एज ए यंग गर्ल मैरी लिव्ड इन फ्रांस में रहती थी, जहाँ पे वो मैरिड करी थी उसने सीधा। ठीक है, हैव मैरिड नहीं आ रहा सेंस, डिड के बाद तो मैरिड वैसे ही नहीं आ सकता, V1 आती है और नोट भी लगता है। हैज मैरिड तो हैव मैरिड वैसे ही गलत है। हैज मैरिड क्यों नहीं लगाया, क्योंकि प्रेजेंट है और यहाँ मेन क्लोज पास्ट में, ये लगाओ बिल्कुल सही है। और ट्रांजिटिव वर्ब है मैरी, याद रखना मैरिड एक ट्रांजिटिव वर्ब है, उसके डायरेक्ट बाद क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट। आई मैरिड हर। पर अगर ये मैरिड एडजेक्टिव होता, वो कैसे पता लगेगा एडजेक्टिव होता, बीच में इज एम आर मिलेगा, और इज एम आर आपको पता है लिंकिंग वर्ब होती है, वो सब्जेक्ट्स को ही लिंक करती है, तो ये एडजेक्टिव होता है। और सब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन होता है, नाउन प्रोनाउन के लिए एडजेक्टिव है, तो टू आ सकता। नेक्स्ट फिर वही एडवांस वर्ब यूज होगी, 2 + V1। आपको पता है स्टूडेंट्स, एक क्लोज में एक ही वर्ब आ सकती है, जो कि ये आ चुकी, मैं चाहता हूं। अब जितनी भी वर्ब आएंगी, या तो कंजंक्शन लगाओ, अगर आपको इफ यू वांट टू यूज टू वर्ब्स यू शुड यूज कंजंक्शन, नहीं तो एडवांस वर्ब यूज करनी पड़ेगी। मैं चाहता हूं खेलना, अब आपको देखो जगह किसकी थी, ऑब्जेक्ट की, मुंह से क्या निकल गया, खेलना, और खेलना क्या है, वर्ब। एक वर्ब आ चुकी है और ये जगह भी नाउन की है, तो खेलना की मैंने इंग्लिश ढूंढी, प्ले मिली, पर ये तो वर्ब है और ये जगह नाउन की है, इसे नाउन बनाना पड़ेगा क्योंकि एक ही वर्ब आ सकती है। तो नाउन बनाने का एक तो तरीका है टू लगा दो, और एक मैंने अभी बताया था आईएनजी लगा दो, पर आगे जाने की सेंस आती है तो इन्फिनिटिव यूज करते हैं। प्रीपोजिशन के बाद ये अच्छा नहीं लगता, 2-2 प्रीपोजिशन एक साथ हो जाएंगे तो जेरेंड यूज कर लेते हैं। तो आई वॉन्ट टू प्ले, पर याद रखना ये अपने आपको क्या मानती है, नाउन, भी नाउन तो है, पर क्योंकि नाउन की जगह पे अब फिट है, प्ले फिट नहीं थी, टू लगाया, नाउन बन गई, पर ये अपने आपको वर्ब भी मानती है क्योंकि इसकी हिंदी का खेलना, तो वर्ब किस एक एंगल से, पोजीशन वाइज नाउन है, आई वॉन्ट वट, पर वर्ब वाले काम करेगी, आगे क्या ले लेगी, वर्ब क्या करती है अपने बाद, ऑब्जेक्ट नहीं लेती, खेला क्या, क्रिकेट, प्योर नाउन नहीं ले पाता। ठीक है, तो वही है, इज मेन वर्ब आगे, आगे एडवांस वर्ब आएगी, टू गोइंग नहीं होता, टू गो होता है, और आगे पता है टू के बाद गोज नहीं होता कभी, यह भी याद रखना। इसका टेंस से कोई लेना देना नहीं है, आई वोंट लीक चाहे आई वोंट्स लीक, इसका सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। टू के बाद V1 आती है, बेस फॉर्म वाली V1, प्ले आती है हमेशा, प्लेज नहीं आती। तो आपको पता है टू हैज नहीं होगा, टू हैव होगा, क्योंकि हैज सिंगुलर फॉर्म है, हैव बेस फॉर्म है, और इस इज से ही ज्वाइन है, इज टू गो, इज टू हैव। कंडीशनल सेंटेंस आपने कभी पढ़े होंगे स्टूडेंट्स, कंडीशनल सेंटेंस, ये देखो मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैं पढ़ूंगा, आई विल स्टडी। ठीक है, ये नहीं लिखते अभी, मैं पास हो जाऊंगा, आई विल पास। अब मैं चाहता हूँ दोनों ज्वाइन कर लो और एक दूसरे से रिलेट करवा दो, इफ़ आई विल स्टडी, आई विल पास। अब ये बिल्कुल गलत हो जाएगा स्टूडेंट, क्यों हो जाएगा गलत, क्योंकि दो बातें फ्यूचर में नहीं भाग सकती, एक को प्रेजेंट में बनाना पड़ता है। किसको, मेन क्लोज तो फ्यूचर में रहता है, सबऑर्डिनेट प्रेजेंट में हो जाता है, कंजंक्शन वाला भी लट जाता है, एक भी लटता है, कौन सा, कंजंक्शन वाला। अब चाहे कंजंक्शन वहां जाए यहाँ जाए, इससे कोई मतलब नहीं है, मेन क्लोज फ्यूचर में आता है, एक प्रेजेंट में बन जाता है। ठीक है, इस तरह की बातें होती हैं, एक फ्यूचर। पर कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें फैक्ट बताए जाते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, साइंटिफिक फैक्ट होते हैं। अगर पानी को उबालते हैं, इफ, ठीक है, इफ यू बॉयल द वाटर तो इट टर्न्स इनटू हीट, हो जाएगा नहीं, हो जाता है, तो यहाँ भी प्रेजेंट, यहाँ क्योंकि फैक्ट है, यही वही चीज है। कंजंक्शन वाला क्लोज तो वैसे ही प्रेजेंट में आ रहा है, ये प्रेजेंट ही है बच्चों, चाहे पैसिव है चाहे एक्टिव है तो प्रेजेंट ही। आई प्ले क्रिकेट लिखता हूँ तो ये एक्टिव सेंटेंस है, और इसका अगर मैं पैसिव लिखता हूँ, क्रिकेट इज प्लेड, तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस ही है, बस उसका पैसिव है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनेट है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनेट है, टेंस सेम रहते हैं। ठीक है, बस आगे रिसीवर आ गया तो फॉर्मूला पैसिव का लग गया है, एक ही चीज। तो जब प्लास्टिक कोम को रंप किया जाता है तो वो एक्वायर कर लेता है, ये एक फैक्ट है। विल नहीं आएगा यहाँ मेन क्लोज में, जैसे इंस्टेंट टेंस में, यहाँ पक्का पास थोड़ा हो जाएगा, ये फैक्ट है, यहाँ दोनों तरफ प्रेजेंट आ जाता है, ये भी याद रखना। कंडीशनल सेंटेंस मान लो इसको, दे एक्वायर, फैक्ट हमेशा इनडेफिनेट में लगते हैं साइंस के फैक्ट, सिंपल। प्लास्टिक कॉम सिंगुलर है, दे भी गलत है, इट आएगा और इट के साथ वर्ब सिंगुलर आएगी, ठीक है। आर्टिकल बेस भी सही है, वैसे ही कैंसिल हो जाते हैं। अब आर्टिकल देखते तो स्टैटिक कॉन्सोनेंट साउंड है, ठीक है स्टूडेंट, ये देखो स्टैटिक कॉन्सोनेंट साउंड है, एन वाला वैसे गलत हो गया, पास्ट वाला वैसे गलत हो गया, कॉम सिंगुलर है, दे वैसे गलत हो गया। ये करो मेजर हब्स, इज लगा हुआ है, इसका सब्जेक्ट ढूंढते हैं। ऑफ के बाद वाला तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, अभी बताया था मैंने, कितना भी सेंटेंस को एक्सटेंड कर दो सब्जेक्ट होता है प्रीपोजिशन से पहले वाला। द वाटर ऑफ रिवर्स, कितना ही आप एक्सटेंड कर लो इन इंडिया, सब्जेक्ट आपका कौन है, ये सब ऑब्जेक्ट कहलाते हैं प्रीपोजिशन के बाद, जैसे वर्ब के बाद कहलाते हैं। सब्जेक्ट वाटर है, इज आएगा कितना भी, ठीक है। तो ये ऑफ वाला छोड़ दो, यही है सब्जेक्ट। हब्स के साथ इज आ नहीं सकता, कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ इज पक्का है, यही रिप्लेस करना है। तो बताओ मेजर्स होता नहीं, मेजर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव प्लूरल होते ही नहीं क्योंकि नाउन से पहले एडजेक्टिव होता है। गुड सुना है कभी? गुड्स प्लूरल होता है, नाउन एडजेक्टिव की होती है बस डिग्री। ये आएगा एट आवर्स, 8 आवर्स स्टार्टिंग टाइम नहीं है बेटा, सिंस आता है स्टार्टिंग टाइम के लिए। जैसे स्टार्टिंग टाइम मतलब 9 बजे से पढ़ रहा है कोई, 9 बजे से, तो आप इसको ओपन करना पड़ेगा 12 बजे तक, 3 घंटे से। सिंस 2015 से पढ़ा रहा है, स्टार्टिंग टाइम है। पर अगर आपको ड्यूरेशन दे दूं, गिना गिनाया दे दूं, 8 साल 3 घंटे, तो 4 लगता है, ठीक है। अब आ जाओ माई मदर्स, ये फ्री में लगे हुए एडजेक्टिव है, सिस्टर सब्जेक्ट है, वर्क्स आएगा पहले तो, और यहाँ 4 आएगा। और आप कहोगे ये 4 और सिंस तो परफेक्ट टेंस में लगता है, ये इनडेफिनेट में क्यों लग गया? बेटा वो परफेक्ट टेंस में लगता है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। देखो आई हैव बीन टीचिंग फॉर, ऐसे लिख लो, फॉर 10 ईयर्स, ऐसे लिख दिया मैंने, फॉर 10 ईयर्स। इस 4 का मतलब होता है 10 साल से लेकर अब तक, पास्ट के 10 साल से लेकर अब तक। पर यहाँ 4 का मतलब है 8 से नहीं है, मेरी मदर की सिस्टर काम करती है फॉर 8 आवर्स, 8 आवर्स के लिए एवरी वीक डे। और आपको पता है 1 घंटे 8 घंटों के लिए काम करती है, ये से नहीं है कि पिछले 8 घंटों से अब तक, के लिए काम करती है। ये फैक्ट वाला 4 बताता है, तो सिंपल है, ड्यूरेशन तो ये लेगा ही, सिंस तो आएगा नहीं। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि ये फैक्ट बता रहा है, ये वो वाला टेंस नहीं है कि पिछले 10 साल से लेकर अब तक का पूरा हो गया है और भी करेगा, परफेक्ट टेंस लगा दूं, नहीं। कई बार 4 का मतलब के लिए वाला भी 4 होता है, और ये 4 होता है से, ठीक है। तो ये वही 8 घंटों के लिए, तो इंडेफिनिट लगेगा, बिल्कुल सही है। परफेक्ट का तो ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। और भी था क्या कोई टेंस? सही है। वर्किंग आ नहीं सकता डायरेक्ट इज एम आर के बिना। लुकिंग ऑन माय फेस नहीं होता, लुक एट, जब भी हम किसी की तरफ देखते हैं तो लुक एट आता है। और कॉन्टिन्यूस टेंस लगा रखे तो लगाने दो, ऑल टेंस आर करेक्ट इफ देयर इज नो हिंट। आर पहले आ गया, आईएनजी वहीं रह गया, एट आता है किसी की तरफ देखते हैं तो। इंडिया में प्रोसेस्ड फूड्स बिकम्स पॉपुलर इन द 20th सेंचुरी। बिकम्स गलत है, प्रोसेस्ड फूड्स, फूड्स प्लूरल है, ये तो बड़ी गड़बड़ है भाई। फूड्स प्लूरल है और वर्ब सिंगुलर लिख रखी है। नाउन पता है आपको एस लगा के प्लूरल होता है, बॉय का प्लूरल बॉयज, बट वर्ब एस लगा के सिंगुलर होती है। तो आपको पता है ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस भी गलत लिख रखा है, अगर लिख भी रखा है तो। पर यहाँ हिंट भी है 20th सेंचुरी में, अब कौन सी चल रही है? 21st, तो ये पास्ट की बात चल रही है, V2 लगाओ। और V2 का सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, V2 लग सकती है। आई प्लेड, ही प्लेड, दे प्लेड, बिकम की सेकंड फॉर्म बिकेम। वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आता है, सही है। ब्रोक ऑफ फ्रॉम द हर्ड मतलब झुंड, और लॉस्ट इट्स वे, ठीक है। ब्रोक सेकंड फॉर्म ही यूज करेंगे क्योंकि पास्ट में चल रहा है, और जो टेंस यूज करना है करने दो उसको क्योंकि हिंट नहीं है, तो ऑल टेंस आर करेक्ट। ब्रोक अवे का मतलब होता है किसी से अलग हो जाना, सेपरेट हो जाना। OFF नहीं आएगा, इसके OFF भी सेपरेशन के लिए यूज होता है वैसे तो। इसका मतलब होता है स्विच ऑफ द लाइट यूज करते हैं, लाइट को स्विच से अलग कर दो, ठीक है, स्विच ऑफ द लाइट होता है। बट यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ब्रोक अवे यूज कर लो इफ यू वांट टू कन्वे योर मीनिंग, बिकॉज दिस इज अ फ्रेजल वर्ब, एग्जैक्ट फ्रेजल वर्ब है। जैसे लुक लिखा, लुक का मतलब देखना होता है, 4 लगाया, मीनिंग बदल गया, इन्हें कहते हैं फ्रेजल वर्ब। वर्ब के साथ प्रीपोजिशन लगाते ही यू विल गेट न्यू मीनिंग, दैट इज फ्रेजल वर्ब, ठीक है। लुक अवे कुछ और मतलब भी आ जाता है। लुक लुक आफ्टर लिख लो, लुक आफ्टर देखभाल करना, लुक इनटू इंक्वायरी करना। ऐसे ब्रोक अवे लगाओगे तभी मीनिंग आएगा। यानी और डबल एफ भी सेपरेशन के काम आता है, स्विच ऑफ द लाइट में जैसे यूज होता है, पर ब्रोक अवे होता है किसी से अलग हो जाना, ये यूज करो। एग्जैक्ट नीदर ऑफ द, हाँ चलो नीदर ऑफ वन ऑफ, पहले बताओ ऑफ प्रीपोजिशन, और सबको बताया प्रीपोजिशन नाउन प्रोनाउन से पहले लगती है। यहाँ नाउन सिंगुलर आए प्लूरल आए, इससे प्रीपोजिशन को कोई मतलब नहीं होता, बस नाउन आएगा। जैसे आई एम एट बस स्टैंड, यूँ तो नहीं बोला ना बस स्टैंड्स, प्लूरल भी लिख सकता हूँ, द वाटर ऑफ रिवर्स। बट कुछ प्रीपोजिशन ऐसी होती हैं ऑफ या अमंग, जिसका मतलब होता है में से सिलेक्शन, और जब भी सिलेक्शन होता है कभी एक जने में नहीं हो सकता। आप कभी कभी नहीं कह सकते किसी को आज 13 में से ही जिताते हैं, किसी को 13 में से ही एक बाहर चला जा। मिनिमम 2 लड़के 3 लड़के तो चाहिए, या 3 जने तो चाहिए ना किस सिलेक्शन करने में। अब तो ऐसा ऑफ यहाँ मिलेगा आपको, वन ऑफ, ईच ऑफ, नीदर ऑफ, ईदर ऑफ, और यहाँ पे प्लूरल आएगा वन ऑफ माई, जैसे माई लिख दें, वन ऑफ माई स्टूडेंट नहीं लिखोगे, स्टूडेंट्स लिखोगे, उन्हीं में से तो एक निकलेगा। एक में से एक कैसे आ गया? और वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर। वाई वर्ब सिंगुलर क्यों आएगी? क्योंकि ये प्रीपोजिशन के बाद वाला तो मैंने बताया बस ऑब्जेक्ट होता है, ओरिजिनल सब्जेक्ट तो पीछे रह जाता है। वन और वन सिंगुलर होता है इज, ईच सिंगुलर होता है इज, नाउन प्लूरल बट वर्ब सिंगुलर, क्योंकि सब्जेक्ट ई चाहिए तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। ऐसे ईदर नीदर भी सिंगुलर होते हैं। आ जाओ नीदर ऑफ द लीडिंग, ये तो सही लिख रखा है, ये तो बीच में एडजेक्टिव है, ये रहा नाउन। प्रीपोजिशन आगे नाउन आएगा, ये नहीं कि यहीं आ जाएगा, साथ में एडजेक्टिव भी लगे हो सकते हैं। कहीं कहते हैं प्रीपोजिशन के बाद तो नाउन आते हैं, सर एडजेक्टिव क्यों आगे? अरे नाउन आया है ना, आएगा, पर ये साथ में इस नाउन ने बुलाए हैं एडजेक्टिव, क्योंकि एडजेक्टिव तो लगे रहते हैं साथ में, डिटर्मिनर्स एडजेक्टिव्स। और नीदर ऑफ द लीडर पोलिटिकल पार्टीज हैव नहीं आएगा, सीधा बताओ नीदर है सब्जेक्ट, और ये अपने आपको सिंगुलर मानता है, ये तो आपको सीखना पड़ेगा। जैसे ही सीखा हुआ है, ही इज लेता है, शी इज लेता है, ऐसे बेटा ईदर सिंगुलर होता है इज लेता है, नीदर सिंगुलर होता है इज लेता है, तो नीदर हैज, टेंस वही रहेगा, हैज हैड सही है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हैज के बाद ये हैड भी तो थर्ड फॉर्म वाला हैड है, ये नहीं है कि ये भी हेल्पिंग वर्ब है ये भी हेल्पिंग वर्ब है। हैज हैव मेन वर्ब भी होती है, तो वो रिटर्न की तरह थर्ड फॉर्म ही है। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? हैव। सेकंड फॉर्म क्या होती है? हैड। मेरे पास कुछ है, हैड, ये थर्ड फॉर्म। मैंने कहीं पे यहीं लिख रखा आई हैव ए कार, तो ये मेन वर्ब वाला हैव है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, नहीं तो आगे थर्ड फॉर्म ना होती। मेन वर्ब इसकी भी हिंदी होती है, जैसे लिखना खेलना, ऐसी इसकी होती है मेरे पास कुछ है, तो वहाँ पास की सेंस चाहिए थी। अब बता दो कहाँ एरर? ये गया, ये गया, यही है, ठीक है। नीदर ऑफ द नाउन प्लूरल बट वर्ब सिंगुलर बिकॉज सब्जेक्ट इज नीदर, नीदर इज अ सिंगुलर प्रोनाउन। हिज वाइज चॉइस, हिज है ठीक है, एक डिटर्मिनर है, पोजेसिव एडजेक्टिव है, चॉइस नाउन है, नाउन से पहले कितने भी एडजेक्टिव लगाओ, वो सुंदर है, सुशील है, कितने भी लगाओ, ओल लगाओ, माई लगाओ, फिर नाउन लिख दो। वाइज एडजेक्टिव होता है, ये भी सही है, नो एरर। वो मुझे पे करता है, करने दो कोई दिक्कत नहीं है, फैक्ट है, जो टेंस सारे ठीक है, ऑल टेंस आर करेक्ट इफ देयर इज नो हिंट। ही पेज मी $6, दा मंथ नहीं होता, ठीक है, दा मंथ बिल्कुल गलत है, ए मंथ, क्योंकि फिक्स कोई डेफिनेट मंथ नहीं है, कोई भी एक मंथ, पर मंथ देता है, पर मंथ की सेंस आ रही है ना, और जब भी पर की सेंस है ए लिखते हैं, पर ए किलोमीटर, उसकी बाइक 50 की एवरेज देती है, अ किलोमीटर, पर अ 40 किलोमीटर, मतलब पर बोलने की सेंस में ए यूज होता है हमेशा, दा नहीं यूज होता। पर मंथ देता है जो भी इनडेफिनेट होता है, इसलिए बताओ कौन सा आएगा अब? He pays me $6 a month over this house, नहीं for this house, क्योंकि हाउस सिंगुलर है, तो ये वाला पोजेस डिटर्मिनर, ये सॉरी डिटर्मिनर आएगा, जिसे आप यूं भी बोल सकते हो, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलो, डिटर्मिनर बोलो। डिटर्मिनर और एडजेक्टिव में डिफरेंस ना मानना कभी, एक ही जैसी चीज़ है, नाउन से पहले लगते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है एडजेक्टिव और डिटर्मिनर में। एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले लगते हैं, और ऐसे भी लग सकते हैं ही इज़ गुड, बट डिटर्मिनर जो होते हैं वो नाउन से पहले मिलते हैं। ऐसे प्रोनाउन की विशेषता नहीं बताते, वो हमेशा नाउन की बताते हैं, ठीक है, हमेशा नाउन से पहले मिलेंगे। सम, दिस, नाउन को डिटरमाइन करते हैं, सिंगुलर आएगा प्लूरल आएगा, ये डिफरेंस होता है बस, है नाउन की विशेषता बताते हैं डिटर्मिनर, ठीक है। और एडजेक्टिव प्रोनाउन की भी नाउन की भी। ही इज दिस नहीं लिख सकते, ही इज दिस, ठीक है, क्योंकि ये ही की बता रहे हो, अब लिंक की वर्ब लगा के सिर्फ और सिर्फ नाउन से पहले लगेंगे, दिस बॉय, ऐसे, ये डिफरेंस है थोड़ा बहुत। चलो जो भी है कर लिया। ए मंथ बोलते हैं, उसने मुझे $6 दिए अ मंथ फॉर दिस हाउस, $1 पर मंथ देगा, ऐसे सेंस। ही वॉज स्टक इन हिज, हिज गलत हो गया, शी के लिए पोजेशन हर यूज होता है, ही के लिए हिज। मैनी ए गलत है, मैनी ए वर्ड होता है, मैनी ए के बाद सिंगुलर लिखते हैं नाउन, मैनी अ बॉय, जैसे मैनी के बाद प्लूरल, मैनी ए डिटर्मिनर है, वही नाउन से पहले। मैनी एक ऐसा है डिटर्मिनर है या एडजेक्टिव है जो नाउन को सिंगुलर लिखवाता है, डिटरमाइन करते हैं जो नाउन की सिंगुलर आएगा या प्लूरल आएगा या अनकाउंटेबल आएगा, बट मैनी प्लूरल लेता है, ठीक है। तो आप यूँ ना कहना मैनी ए वर्ड होता है, मैनी एन भी वर्ड हो सकता है जब यहाँ कोई वोवल साउंड है, और वोवल साउंड आपको पता है इंग्लिश के वोवल नहीं देखते, हिंदी के देखते। इंग्लिश का यू ऐसे तो यू वोवल है पर यूनियन ए आ रहा है, वोवल साउंड में एन आता है, ठीक है। या की साउंड है ये, आगे इतनी बात समझ, क्योंकि पहले इसमें यू निकल रहा है, ये नहीं यू बोल दोगे फिर ना भी, फिर तो सारा ही बोलो यूनियन, फर्स्ट वर्ड बोलना होता है। या कॉन्सोनेंट ये वाले स्वर होते हैं अ आ ई ऊ इस तरह के वर्ड, ठीक है। चलो ये स्वर होते हैं तो आपको आवर आ है ना वोवल, एन आएगा, बस ढूंढ लो। अच्छा हिज एज ए फोर्स टू, अच्छा हिज इमेजिनेशन ही है क्या सब में? अच्छा इन्होंने हिज किसी और को मान रखा है, वो मतलब उसकी इमेजिनेशन में पड़ी हुई है कई घंटों से। एज अ फोर्स टू बी रिकॉन्ड विद, रिकॉन्ड विद का मतलब होता है किसी चीज से आप डील करना, कि भाई इंपॉर्टेंट है इसके बारे में भी सोचो तुम, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये बेकार सी चीज है, रिकॉन्ड विद का मतलब होता है ऐसी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी सीरियस होकर सोचना चाहिए, ठीक है। तो उसकी इमेजिनेशन में पड़ी है, ये कोई लड़का है और वो लड़की है, ठीक है। मैं सोचा शी के लिए ही कुछ आ रहा है कि अपनी इमेजिनेशन में, जैसे शी के लिए पोजेशन, ही की बात नहीं हुई है, बस ऐसे लिख दिया हिज। आ जाओ, गलत करें, मैनी एन के बाद नाउन सिंगुलर आता है, मैनी के बाद प्लूरल आता है, मैनी के बाद प्लूरल आता है, सही है। ठीक है, आवर में वोवल्स की साउंड है ना आएगा, ये सही है। जो लॉज है नेचर के, आर आ गया। लिंकिंग वर्ब है, तुम्हें पता है लिंकिंग वर्ब है तो आगे एडजेक्टिव आते हैं, ठीक है। क्या ये लॉज हैं जो नेचर के अनबाइज्ड हैं, इंश्योर करते हैं कि हर पर्सन बेनिफिट लेता है इसकी बहुत ज़्यादा पैसों से। नेचर सबके लिए बराबर है, सबको मौका दिया भगवान ने पैसे कमाने का, तो लॉज नेचर सबके बराबर है। आर सही है, लॉज सब्जेक्ट है, ये प्रीपोजिशन के बाद वाला एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होता है, प्लूरल है, प्रेजेंट टेंस यूज कर सकते हैं क्योंकि फैक्ट है, और ये एक एडजेक्टिव है। क्या दिक्कत क्या है? गलत लॉज प्लूरल है, वर क्यों नहीं लिखा सर? ये थोड़ा है कि पास्ट की बात करूंगा मैं, ठीक है। अब कंफ्यूज हो गए कि आर क्या ठीक नहीं है, नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड। मैंने कहा था इफ देयर इज नो हिंट ऑल टेंस आर करेक्ट, फिर कहोगे ये क्यों नहीं, क्योंकि ये एक फैक्ट है तो इसलिए सही है। नेक्स्ट सेकंड फॉर्म लगी है, लगाने दो। नो डिड का मतलब होता है सर हिला देना, आगे भी सेकंड फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म क्यों लगा दी, बिगेन आएगा, ठीक है, आ गया। और ये राइटिंग बिल्कुल सही है। और पैड पे लिखते हैं तो सरफेस पे लिखते हैं, ऑन लगाएंगे, ये लगाएंगे। ये भी V2 तो एंड से भी सेम जुड़ेगी, V2। ये गलत वैसे V2 से ही हो जाता अगर आपको राइटिंग नहीं भी पता तो। ये राइटिंग क्या है? राइटिंग कुछ नहीं है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब का ऑब्जेक्ट। सिंपल होते हैं या तो ऑब्जेक्ट कार, क्रिकेट, और अगर वर्ब आ जाए तो या तो 2 + V1 को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है या V1 + ING को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, ठीक है। कुछ वर्ब 2 + V1 को ऑब्जेक्ट बनाती है, आई वॉन्ट, क्योंकि आगे जाने की सेंस आती है, टू प्ले। आई इंजॉयड, इसमें आगे जाने की सेंस नहीं आ रही, इसमें आ रही है मैं चाहता हूँ। चाहता कब हूँ? अभी। खेलूंगा कब? बाद में। डिसाइड कब किया? अब। जाऊँगा कब? बाद में। इंजॉय क्या किया? अब। नाचूंगा कब? बाद में। क्या इंजॉय किया? फिर साथ साथ हो रहा है इंजॉय करना और डांस करना, तो यहाँ जेरेंड आ जाता है। ये भी एक क्या कहते हैं नाउन का काम कर रहा है पर वर्ब भी होता है, इसलिए आगे ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। राइटिंग ऑन वैसे ही हो गया, V2 सही है। जस्ट ट्राई एंड रिकॉल द पुअर पीपल यू सो ऑन द स्ट्रीट्स, याद करो। ये वही है क्लोज द डोर की तरह, इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं जो सीधा V1 से स्टार्ट हो जाते हैं, टेंस से इनका कोई लेना देना नहीं है। इनकी हिंदी ये नहीं है V1 देखते गेट बंद करता हूँ, कहीं आपको V2 लग जाए तो ये नहीं है कि हमेशा वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ये बस V1 दिख रही है, ठीक है। ऐसे सेंटेंस को कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस, जब सामने वाले को हम ऑर्डर देते हैं गेट बंद कर दो। अब देयर आर 12 टेंस इन इंग्लिश ग्रामर, कोई भी टेंस आपकी हेल्प नहीं करेगा इस तरह की इंग्लिश बनाने के लिए, गेट बंद कर दो बस। अब आपको क्या करना है? कुछ और सीखना है टेंस से बाहर। तो इस तरह की इंग्लिश जब हम सामने वाले को ऑर्डर देते हैं, सीधा V1 लगाओ और ऑब्जेक्ट लिखो, एडवर्ब लिखो। सब्जेक्ट अंडरस्टूड है, लिखते ही नहीं है, सामने वाला ही होता है यू, इसलिए लिखते ही नहीं है। इसकी हिंदी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पता कब होता है? जब ऐसे लिख देता, मैं गेट बंद करता हूँ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो ये वही है, V1 से स्टार्ट हो रहे हैं। ट्राई करो, रिकॉल करो, यू सो जो तुमने देखे थे, तो V2 लगा रखी है, मैं क्यों चैलेंज करूं, जब V2 लगी है तो लगी रहने दो। ओल्ड टेंस आर करेक्ट इफ देयर इज नो हिंट। अगर किसी लाइन में उसने ऐसे लाइन बना दी आई प्लेड क्रिकेट, मैंने पहले ही बताया था कि एरर निकालोगे V1 आएगा, क्या ये फॉर्मूला है नहीं ग्रामर में, सही है। इफ देयर इज नो हिंट ऑफ टाइम ओल्ड टेंस आर करेक्ट, ठीक है। यू के बाद थर्ड फॉर्म आ नहीं सकती, हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है, हैव बीन सीन कोई फॉर्मूला है तो सही, पर पैसिव का फॉर्मूला है और ये एक्टिव है, ठीक है। हैव बीन सीन एक्टिव है, पैसिव का फॉर्मूला। अब एक्टिव पैसिव क्या होता है ये देखो, आई डैश क्रिकेट, यहाँ प्ले आएगा या सॉरी हैव प्लेड आएगा, इसी टेंस में लेते हैं, या हैव बीन प्लेड आएगा। ये एक्टिव का फॉर्मूला है, ये पैसिव का। आपको बताइए करने वाला आगे बैठा है डूअर, तो एक्टिव का फॉर्मूला लगता है। पर अगर मैं क्रिकेट से कोई सेंटेंस बनाऊंगा तो ये आएगा हैज बीन, लिख देना बस, हैज बीन प्लेड। क्यों आया, क्योंकि क्रिकेट नहीं खेल रहा, क्रिकेट को खेला गया। यहाँ तो मैं खुद ही देख रहा हूँ, तो मैं क्यों पैसिव फॉर्मूला लगाऊं। इसका मतलब आगे डूअर है, एक्टिव से पैसिव तो सब बना लेंगे, पर एक्टिव या पैसिव समझना भी बहुत जरूरी है। ये आगे वाला वर्ड क्या है, डूअर है, तो ये खुद ही करेगा जो करेगा, ये डूअर है, खुद ही देख रहा है और खुद देख रहा है। आगे डूअर है तो फॉर्मूला एक्टिव का लगाना चाहिए, आगे रिसीवर है तो फॉर्मूला पैसिव का। एक्टिव से पैसिव नहीं बनाना यहाँ पे, एक्टिव या सेंटेंस एक्टिव में रिक्वायरमेंट है या सेंटेंस की पैसिव रिक्वायरमेंट है, ये देखना है। हो गया, हाँ बताओ, यू कर लिया, चलिए सही है, नो एरर है, बाकी बिल्कुल गलत है। एक अनआइडेंटिफाइड मैन ऑन अ बाइक आना था, बाइक कॉन्सोनेंट साउंड है। रोप फॉर द बॉक्स नहीं, रोप ऑफ का मतलब होता है कुछ ऐसे सेपरेट कर देना, कहा था ना OFF सेपरेट के लिए यूज होता है, फेंक दिया बॉक्स, रोप ऑफ। ये सारा सब्जेक्ट मैन सब्जेक्ट है, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। वर्ब तो यही है ना, सेकंड फॉर्म ही आएगी, सीधा ING आ ही नहीं सकती बिना इज मार के। मैन के लिए फर्स्ट फॉर्म आ नहीं सकती क्योंकि मैन है ना सब्जेक्ट, ये तो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट है, मैन है, ये एडजेक्टिव है। ड्रॉप्स आना था, फर्स्ट फॉर्म भी ढंग से नहीं, ING है नहीं, सीधा पता लग रहा है यही आएगी, ठीक है। ये करो, आर्टिकल भी सही लगा हुआ है, ये लो, ये करो, हाँ जी। नो सूनर वाले क्वेश्चन, नो सूनर और हार्डली वाले क्वेश्चन जब भी आए तो दो तरह के एरर चेक कर लिया करो। पहला एरर, जब भी नो सूनर आएगा तो ये एक एडवर्ब होते हैं, एडवर्ब, तो इनसे एक तो दो क्लोज ज्वाइन करता है, एक ये क्लोज और एक वो क्लोज, और क्लोज दो ज्वाइन करने इफ यू वांट टू ज्वाइन टू क्लोज यू नीड अ कंजंक्शन। तो नो सूनर के साथ कंजंक्शन देन लगती है, याद कैसे होगी, AN सूनर, कंपैरेटिव डिग्री के लिए हमेशा देन लगता है, कंपैरिजन होता है दो बातों का। हार्डली के साथ वैन आती है, एक तो ये एरर आता है। दूसरा एरर आता है इन्वर्जन का एरर आता है, इन्वर्जन ये क्या होता है, इन्वर्जन का मतलब होता है स्टूडेंट्स हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लिख दो बस, आई हैव प्लेड क्रिकेट, हेल्पिंग वर्ब को आगे लिख देना इन्वर्ट कहलाना कराता है। आगे कब होता है ऐसे हेल्पिंग, कब कब आगे आते हैं, जब हम किसी से क्या पूछते हैं, क्वेश्चन, पर ये आधी नॉलेज है, जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तभी इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन का मतलब हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाना, इन्वर्जन कब होता है, व्हेन वी आस्क क्वेश्चंस। सेकंड, कुछ एडवर्ब है मेरे पास नेगेटिव मीनिंग है, आई विल नेवर कम, सेल्डम कम, इनकी पोजीशन है देखो कहाँ, हेल्पिंग और मेन के बीच में, पर ये सेंटेंस में इंफेसाइज करने के लिए आगे आ जाते हैं, कभी ही नहीं आऊंगा आगे आगे। तो आप क्या सोच रहे हैं, विल वहीं रहेगी जो इसको संभाल के बैठी थी, हेल्पिंग और मेन के बीच आते हैं, यहीं रहेगी, ये भी इसके आगे साथ आ जाएगी, आगे ही आगे, मेन वही रहेगी, इसे इन्वर्जन, पर यहाँ क्वेश्चन ना लगा देना, ये दूसरी टाइप है इन्वर्जन की। हाँ, तो नो सूनर से सेंटेंस स्टार्ट होता है हमेशा, और इन्वर्जन भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दो तरह के एरर चेक कर लेना। हार्डली में इन्वर्जन हो रहा है और आगे कंजंक्शन सही लिखी हुई है, हाँ नो सूनर आगे कंजंक्शन डैट गलत लिखी हुई है, देन आएगी, क्योंकि ये देखो कंपेरेटिव डिग्री है, सूनर वाइजर, तो देखो एक इसमें भी देन है, सब में देन है भैया, बट आगे इसी में है, बाकी सब में तो स्ट्रक्चर ही बेकार है। नो सूनर से सेंटेंस स्टार्ट होते हैं, याद कर लो, और देखो हेल्पिंग वर्ब आगे आई हुई है, आई हुई है, सिर्फ इस क्लोज की लानी है, उस क्लोज की नहीं, देन वाले की, सिर्फ जिसमें नो सूनर आगे है। याद करो, जब भी एडवर्ब अपनी पोजीशन बदल लेते हैं, आने बीच में चाहिए, आ जाते हैं स्टार्टिंग में, तो इन्वर्जन होता है। अगर नेवर वहीं लिख देते हो, आई विल नेवर कम, तो इन्वर्जन नहीं होगा। तो ये बिल्कुल ठीक स्ट्रक्चर है इंग्लिश का। मदर से पूछ रहा है कि हम सो सकते हैं सेम रूम में, हाँ कैन यूज कर सकते हैं परमिशन के लिए, इनफॉर्मल परमिशन के लिए। टीचर्स वगैरह से पूछना हो तो फॉर्मल यूज करते हैं में, दोस्तों से, घर वालों से इनफॉर्मल यूज कर लेते हैं, पर स्ट्रक्चर तो सही है। अब आपको कैन से सेंटेंस बनाना है, पहले तो ये सुनो, सेंटेंस बनाना है तो कैन कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, हेल्पिंग वर्ब यहीं आती है, पर क्वेश्चन है तो कैन यहाँ आ जाएगा, हैगी हेल्पिंग वर्ब आगे, सब्जेक्ट वहीं रहेगा, और जो भी वर्ड्स हैं, एडवर्ब हैं, मेन वर्ब हैं, वो वहीं रहेंगे, नोट है वहीं रहेंगे, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आगे आती है बस। अब ये देखना कौन सा स्ट्रक्चर सही है। ऑल नहीं आता, ऑल वहीं रहेगा, और सब्जेक्टिव केस बनाओ, अस क्या लिख दिया शुरू में ही, ऑल सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट तो आगे है, सब्जेक्ट चाहिए, शुड के बाद फिर सब्जेक्ट, देखो बेटा सब्जेक्ट से आगे आती है हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट से आगे नहीं। ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है, कैन हेल्पिंग वर्ब, बी सब्जेक्ट, कैन वी ऑल स्लीप। ये ऑल यहाँ पे एडवर्ब का काम करती है, बस इनके आगे लगता है वी ईच, वी ऑल, यही लगता है इसकी पोजीशन मेन वर्ब से पहले। तो ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है, वो स्ट्रक्चर ही गलत है। ही के साथ हैव नोट नहीं आ सकता, हैज आएगा, सिंपल खत्म क्वेश्चन। वर आ नहीं सकता, हैव आ नहीं सकता, वैसे ठीक हो गया, ये परफेक्ट टेंस है। ही हैज नोट बीन इन द, सीधा हो रहा है, ये कर लो बस लास्ट। हाँ, कभी भी आपको डे बताना है, डे मंडे संडे ऑन लगाओ। कभी भी आपको ड्यूरेशन बतानी है, मंथ जुलाई, एक महीना 2015 पूरा साल, तो इन लगाओ। पॉइंट ऑफ टाइम बताना है, 9 o'clock, 10 o'clock, 9 PM, 10 PM, तो एट लगाओ। और प्रीपोजिशन के बाद नाउन आता है, तो वर्क एक नाउन है, इसे वर्किंग ना कर देना, जो ऑलरेडी नाउन है उसे नहीं छेड़ते, ठीक है। देखो अब मैंने ये एग्जाम्पल देता हूँ, ये देखो आई एम फॉन्ड ऑफ, मैं शौकीन हूँ क्रिकेट का, तो आप यहाँ क्रिकेटिंग थोड़ा कर दोगे, ये तो नाउन है और प्रीपोजिशन के बाद नाउन ही आते हैं। बट अब मैंने बोला मैं शौकीन हूँ खेलने का, अरे ये तो वर्ब निकल गई मुँह से, और आते हैं नाउन है, अब ये वर्ब है, इसे नाउन बनाना पड़ेगा, ये तो ऑलरेडी नाउन था, तो प्लेइंग करना पड़ेगा। याद रखना प्लेइंग अपने आप को वर्ब मानता है, इसलिए ये आगे ऑब्जेक्ट लेना भी शुरू कर देगा। ये प्योर नाउन नहीं है, वर्ब जैसा नाउन है, इसमें वर्ब भी है और नाउन के काम है, पोजीशन वाइज नाउन है पर वर्ब वाले काम भी है इसमें। क्या होते हैं वर्ब वाले काम? अपने बाद साउंड निकालना, क्या खेला, कैसे खेला, तो ये ऑब्जेक्ट लेना शुरू कर देता है, प्लेइंग क्रिकेट। पर ये प्योर नाउन ऑब्जेक्ट नहीं ले सकता, तो वही है यहाँ। और यहाँ वर्किंग को ऑब्जेक्ट चाहिए ही नहीं, क्योंकि ये इन 9 PM तो रिटर्न से क्वालिफाई हो रहा है। सुभाष हैड जस्ट रिटर्न्ड फ्रॉम वर्क हार्ड, या तो हार्ड होता फ्रॉम वर्किंग हार्ड, तो मैं कहता ये वर्ब है और वर्ब वाला नाउन चाहिए, क्योंकि आगे एडवर्ब आ रहे हैं, आगे ऑब्जेक्ट आ रहे हैं। ये 9 PM तो रिटर्न को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए यहाँ प्योर नाउन से काम चल जाएगा। और दो नाउन साथ नहीं आ सकते, इसलिए प्रीपोजिशन लग रही है। हाँ मुझे पता है वर्किंग भी हो सकता था, जैसे देखो मैं शौकीन हूँ काम करने का, काम का आता तो ये ठीक है, आई एम फॉन्ड ऑफ वर्क, काम का, बस काम करने का मेहनत से, वर्किंग हार्ड। अब आपको बताइए एडवर्ब है और प्योर नाउन एडवर्ब नहीं बुला सकते, ऐसा नाउन बुला सकता है जो वर्ब भी हो, क्योंकि वर्ब के बाद एडवर्ब आते हैं। पर यहाँ 9 PM को क्वालिफाई रिटर्न ने करा, तो प्योर नाउन से काम चल जाएगा। प्योर नाउन अपने बाद ऑब्जेक्ट एडवर्ब नहीं ले सकते, जैसे क्रिकेट नहीं ले सकता, आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट, खत्म। तो यहाँ पे वर्क सही है, बस 9 PM 10 PM के लिए एट आता है, स्पेसिफिक टाइम पर्टिकुलर टाइम के लिए एट आता है, सीधा करो। इन गलत, ऑन गलत, सीधा यही है, वैसे ही हो रहा है, प्रीपोजिशन से हो रहा है। 9 PM के लिए इन आता ही नहीं, 9 PM के लिए एट आता है, ड्यूरेशन के लिए इन आता है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स 25। आई होप यू हैव एंजॉयड द क्लास, यू कैन रिकमेंड दिस वीडियो कोर्स टू योर फ्रेंड्स रिलेटिव्स। लास्ट वीडियोस भी देखा करो, इससे आपके डाउट और ज़्यादा क्लियर होंगे, ठीक है बच्चों।